हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू सवात। होम मैशा कहीं वी यूज द मोटरवे फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद एंड एट दिस मोटरवे वी विल टेक अ लेफ्ट दैट विल लीड अस टू सवात। सो लेट्स एंजॉय आवर जर्नी। जब से हमने शहर शिफ्ट हुए हैं हम इस मोटरवे पे कई बार आ चुके हैं, बिकॉज इस्लामाबाद जाना हो या लाहौर जाना हो इसी मोटरवे पे हमें जाना पड़ता है। एंड स्टिल आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दीज रोड्स, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। ऑलवेज टेक दीज फोटोज़ एंड वीडियोज एंड आई कैन लाइक स्पीक फॉर आवर्स ओवर दीज रोड्स। एंड दिस रोड इज़ रियली रियली वाइड एंड हैज बेस्ट साइड व्यूज। So let's see where is that left we will take for the Sawat. I guess here we go for the Sawat. अच्छा जी, यहाँ से हम अपना पहला एग्ज़िट ले लेंगे मोटरवे से एंड देन वी विल बी ऑन अनदर मोटरवे दैट विल डायरेक्टली लीड अस टू द सवात। लेकिन हमने जहाँ पर रहना है वो ज़रा सवात जो मेन वैली है उससे काफ़ी हट के हैं, तो हमारा रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अच्छा जी, ये हमारा साइन बोर्ड आ गया है सवात और चकदरा का। बेसिकली जो हमारी अगली मोटरवे होगी वो हमें चकदरा पे एग्जिट करवाएगी। ये क्या खत्म चेंज हो गया कैसे रिड्यूस कर सकते राइट ये कैश लेफ्ट साइड। अच्छा, क्योंकि हमारी गाड़ी का एम टैग नहीं है तो जनाब, वैसे तो हमारी गाड़ी का तो है लेकिन जिस गाड़ी में हम सवात जा रहे हैं उसमें नहीं था, तो इसलिए जो है हम बिल्कुल कैश वाली लाइन में थे। अच्छा जी, साइन बोर्ड्स पढ़ने का टाइम हो गया है। सवात 123 किलोमीटर दूर है और चकदरा कोई 80 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी, ये वो वाला टूल प्लाजा है जो कि पिछले दिनों 11 मई में कि 9 मई में आई डोंट नो जला दिया गया था, तो लेकिन अब उन्होंने काफ़ी अच्छा दोबारा से रेनोवेट कर ही लिया है। ये रास्ता जी मर्दान की तरफ लेके जाता है, लेफ्ट साइड पे एग्जिट लेंगे अगर हम, लेकिन मुझे मर्दान नहीं जाना और सोचना भी नहीं है उसके बारे में, क्योंकि इतनी देर हम लोग मर्दान 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 करते रहे हैं नौशहरा में। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट नाउ। ये अगेन एग्जिट नंबर 2 है फॉर मर्दान। लेट्स टॉक अबाउट स्वाबी। स्वाबी भी तो जा सकते हैं हम इससे। हाँ, मैं कभी स्वाबी नहीं गई। M16 एक बहुत ही प्यारी मोटरवे है, पाकिस्तान की बाकी सारी मोटरवेज की तरह। ये मोटरवे ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर लॉन्ग है और इस मोटरवे में बहुत सारे इंटरचेंजेस, ब्रिजेस और टनल्स हैं, और जो है ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करती हैं। एंड इट्स अ वेरी इजीएस्ट वे टू रीच सवात फ्राम नौशहरा। हम लोग M1 से इस पर चढ़े थे और अब हम लोग चकदरा पे जाके इसे उतरेंगे एंड इट रियली रियली मेक्स और डिस्टेंस वेरी शॉर्ट। अच्छा जी, अब जो है वो पिक्चर्स लेने वाला टाइम शुरू हो गया, वीडियोस बनाने वाला, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं सीनरी बहुत ही प्यारी होती जा रही है और हाइट भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी स्पीड काफ़ी 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 स्लो हो रही है। बट क्लाउड्स एंड दीज माउंटेंस आर वर्थ वॉचिंग। अच्छा जी, ये पहली टनल आ गई है और ये टनल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। डेफिनेटली इनको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेहनत और पैसा लगा होगा। एंड इस टनल के अंदर जाके बिल्कुल वो इंग्लिश मूवीज़ के सीन याद आ रहे थे, जिसमें उनके वो क्रिमिनल सीन्स जितने भी आए थे टनल में हो रहे होते हैं। बट खैर, इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट वुड हैव रियली हेल्प के ये लोगों को जो है वो उनकी आसानी के लिए बनाई गई हैं। दिन चढ़ गया है, टनल से निकल गया। दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ M16 मोटरवे एंड वी आर अबाउट टू टेक एन एग्जिट। और यहाँ से जो है मलकंद का रास्ता जो है वो सारा ख़त्म हो जाता है और हम जो है वो अब स्वात सिटी की तरफ जो है मूव कर रहे हैं आफ्टर पासिंग दिस टूल प्लाजा। अच्छा, वो पीछे गलत बता के आई थी कि वो जो पीछे टूल प्लाजा था आई टोल्ड के उसको जलाया गया था, बट बेसिकली ये स्वात टूल प्लाजा है जिसको जलाया गया था।
अब हम लोग दरिया सवात से गुज़र रहे हैं, जो कि बाकी सारे दरियाओं की तरह बहुत ही ज़्यादा खुश्क है, और यहाँ के पहाड़ भी बहुत ड्राई ड्राई हैं। लेट्स सी कि मौसम कैसा होगा, कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा। वी टुक अ शॉर्ट ब्रेक फॉर सिटाज, लेकिन यहाँ के सिट्टे भी बड़े अजीब थे। मतलब वो बॉयल था, लेकिन वो पानी में बॉयल हुआ हुआ था, जो कि बहुत ही बुरा था टेस्ट में। अच्छा जी, ये अब सवात सिटी जो है वहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं, और ये बेहतरीन है, टोटली डेवलप्ड है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंद भी के साइन बोर्ड्स भी देखे गए हैं। तो जितना मैंने स्वाद के बारे में सोचा हुआ था, ये वैसा नहीं है, इट्स वेरी मच डेवलप्ड, और हर तरह से सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। बस जो उम्मीद हमारी थी वो यही थी कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ अच्छे मौसम के तासरात नहीं हैं, एंड अबव 30 ही टेम्परेचर है, तो इसलिए डोंट ब्रिंग योर सर्दियों के कपड़े। अच्छा जी, हमारे साथ जो फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो कह रहे हैं, वो बेसिकली अब्टाबाद से हैं, तो वो कह रहे हैं जनाब की कि ये जो सवात की एक फ़र्स्ट लुक आ रही है ना, दैट इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन अब्टाबाद, क्या अब्टाबाद और पिंडी वगैरह का सारा इलाका इससे भी ज़्यादा प्यारा है। बहरहाल हम खुद को डिमोटिवेट नहीं करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अब हमने सवात पहुंच के ही रहना है, और यहाँ से हमें वो साइन बोर्ड्स आ गए हैं कि जनाब सवात अजायब घर। वी टुक अ ब्रेक फ्रॉम ड्राइव फॉर सम ईटेबल्स, और सामने में आड़ू का बाग नज़र आया था, तो एक हज़रत जो है वो चले गए हैं गन्ने की रस लेने के लिए, और दूसरे हज़रत को हमने आड़ू लेने के लिए भेजा है, बिल्कुल फ्रेश। ये देखें नाज़रीन, ये हैं आड़ू के दरख्त, और ये अभी कच्चा आड़ू है, और इसको कहते हैं चिड़ोड़ा। कौन सी ज़बान में? हिंको ज़बान में। जब ये बिल्कुल कच्चा कच्चा होता है, पकने के करीब होता है। अच्छा जी नाज़रीन, ये हम एक बाग के अंदर आए हैं, और यहाँ पे बहुत ही प्यारे 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 आड़ू हैं, तोड़ने से मना किया गया। अच्छा, तो हमने सोचा हम तोड़ के चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा है, और थोड़ी वीडियो भी बन जाएगी। तो ये जो है ना, वाओ कितना खूबसूरत कलर है, और अब इसका टेस्ट करना ही पड़ेगा। ये आ गई हमारी गन्ने की रस, और ये बहुत 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 ज़्यादा मज़े की थी। ये है कपल बाज़ार, और यहाँ कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ मिलती है, हर चीज़। ये देखें दम नज़र आ रहा है, फ्रूट की दुकान, ये नान। अभी मुझे अब लग रहा है मरीमाल रोड। वो सामने नियोम शूज प्लाजा बने हुए यहाँ, हमने तो कुछ और ही नक्शा खींचा था, बहुत ही बुरा था वैसे आपका नक्शा। अच्छा जी, अब हम पहुंच गए हैं अपने घर में, एक जहाँ पे हम दो दिन के लिए या एक दिन के लिए रहेंगे, और लेट्स सी ये अंदर से कैसा है, और व्यू तो बड़ा प्यारा आ रहा है बाहर से, तो होपफुली के बाकी गोल्फ क्लब्स की तरह ये भी अंदर से अच्छा ही होगा। अच्छा जी, चूँकि मगरिब होने वाली है, इसलिए सनसेट के व्यूज़ तो बहुत ही प्यारे हैं, और अंदर के हालात काफ़ी वीरान हैं, लेकिन ऐसे ही होते हैं गोल्फ क्लब्स। लेट्स सी कि हम कहाँ रहते हैं। अच्छा, तो ये हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और ये हम एक गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, और हमें तकरीबन कोई 4 घंटे लगे हैं दशहरा से सवात पहुंचने में, और ये भी हम एग्जैक्टली अभी सवात नहीं है, थोड़ा सा पीछे हैं। अच्छा जी, ये रूम्स हमें दिखाए जा रहे हैं, और ये हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, बट सम हाउ वी केम टू नो कि ये ऑलरेडी जो हैं वो बुकड हैं और ऑक्यूपाइड भी हैं, तो फिर अब हम अपनी जगह पे आ गए हैं, यहाँ पे हम रुकेंगे रात के लिए। ये हमारा डाइनिंग था, और ये है हमारा रूम, नॉट बैड, बट वो वाला ज़्यादा प्यारा था। ये है चपली कबाब, जो कि हमारा डिनर है आज के लिए। नाउ वी आर गोइंग आउटसाइड 10 बजे के बाद फॉर सम चाय शाय एंड टू एक्सप्लोर द काबल, और जनाब ये है काबल बाज़ार, जो कि आलमोस्ट 90% बंद हो ही चुका है, लेकिन हम अपनी चाय ढूंढ के रहेंगे, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
हमें एक बेकरी मिल गई और इस बेकरी में इंतहाई अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो वी डिसाइडेड टू बाय सम कपकेक्स एंड एक और स्वीट थी जिसका नाम मुझे भूल गया, लेकिन वो बहुत 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 ज़्यादा मज़े की थी। एंड आई डोंट नो कि मैंने उसको पिक्चराइज भी किया था या नहीं। यहाँ से हम पियेंगे अपनी चाय। ये हमें कैफ़े मिल गया। एंट्रेंस तो बड़ी खौफनाक सी थी रूफ टॉप की, लेकिन इस इलाके में आई गेस इस तरह की कोई चीज़ मिलना भी बड़ी एक सहूलत थी। सो वी जस्ट चूज द टेबल नियर टू द विंडो, और इस विंडो के पास ऐसे लग रहा जैसे शीशा है, बट एक्चुअली इधर शीशा नहीं था। ये हमें यहाँ से सारा स्वात सिटी नज़र आ रहा है। दिस इज़ वट वी गॉट फ्राम बेकरी, और ये बहुत ही मज़े के कप केक्स थे अनएक्सपेक्टेडली। और ये आ गई हमारी चाय, जो कि बस मज़े की थी, चीनी का थोड़ा मसला था, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वाचिंग सवात। और ये इस कैफ़े का नीचे वाला सेटअप था जो कि बेहतरीन था। सो दिस इज़ सवात शांगला होटल। नेक्स्ट डे वी वर्क अप टू द नानचना ब्रेकफास्ट। पराठे थोड़े से कॉम्प्रोमाइज थे, बट ओवरऑल इट वाज गुड। और उसके बाद फिर हमने जो है फ़ोटोशूट करने का प्लान किया, और यहाँ पे गर्मी इस कदर थी कि बस इस गर्मी ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी हमने कोई एक घंटा शूट कर ही लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्रूट्स के दरख्त थे, जो कि पंजाब में तो कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास नाशपति है, और अब हम जाने लग गए हैं वापस। और ये एक खैर से डॉग है, और ये उसके बच्चे हैं, जो कि आते हुए भी रात को उन्होंने हमें बड़ा तंग किया था, और अभी जाते हुए भी हमारे पीछे पड़ने लगे हैं, इसलिए हम तेज़ी से जा रहे हैं।